एससीईआरटी लखनऊ महानिदेशक सर से मुलाकात। नृत्यवर्ती की आज की बड़ी खबर, 27 और 21% पूर्व आरक्षण का नियमों का पालन हो, इस वीडियो में बात करेंगे। मैं राम सर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। जैसा कि आप सभी लोग भास्कर भाई को जानते हैं और वो 27 और 21% की मांग को लेकर कोर्ट याचिका को लेकर लगातार बने हुए हैं, तो आज वो एससीईआरटी पहुँचे। पहले उन्होंने आज कहा था कि जीपीओ पार्क में वो मिलेंगे 10:30 बजे से 12:30 बजे तक, और वहाँ पर जो भी हिसाब किताब है वो कुछ गिने चुने भाइयों को देंगे, जिससे कि जो भ्रम की स्थिति है वो ना रहे और सभी जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर संतुष्ट हों। तो उन्होंने बताया इस क्रम में कि 6 जो शिक्षक साथी हैं वो आए, उन्होंने हिसाब किताब के बारे में कोई बात नहीं की और 12 जुलाई की जो सुनवाई है उस पर विशेष चर्चा की गई थी और उन्होंने हिसाब के बारे में कोई बात नहीं की कितना पैसा क्या है, लेकिन जो 12 जुलाई की सुनवाई है वो अहम होने वाली है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई किस तरीके से इस पर 27 और 21% पूरा आरक्षण को मांगा जाए और वो मिल जाए कोर्ट के द्वारा, तो इस पर विशेष चर्चाएं हुई हैं और 12 जुलाई की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी गई हैं जिससे कि वहाँ पर जीत सुनिश्चित हो पाए। उसके बाद में वो एससीईआरटी लखनऊ पहुँचे और वहाँ पर महानिदेशक साहब से मुलाकात किया उन्होंने और उनको समय मिला था 1 बजे का। उसके बाद में वो उनके बुलाने पर महानिदेशक विजय किरण आनंद जी के पास में गए और उनसे कहा कि सर, जो हमारा मैटर है जल्द से जल्द सॉल्व कराइए और 27 और 21% वाला मैटर है और 19,000 का जो घोटाला हम लोगों ने बताया है, जो आयोग ने भी रिपोर्ट लगाई है उसके आधार पर 6,800 की आपने लिस्ट जारी कर दी है, तो हमें भी न्याय दिलवाइए, कोर्ट में अपना जो हलफनामा है वो लगाइए। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट पे था स्थिति कि मतलब जल्द से जल्द भेजा जाएगा और उन्होंने एक बात कही, था स्थिति से पूरी तरह से अवगत करा दिया गया जो स्थिति कंडीशन में आज चल रही है। तो भास्कर यादव ने वो सारी कंडीशन विजय किरण आनंद जी को बता दी, महानिदेशक को। उसके बाद में उन्होंने कोर्ट पर अच्छी पैरवी का आश्वासन दिया और पूरा का पूरा मैटर उन्होंने कोर्ट पर छोड़ दिया है और कहा उन्होंने कि निर्देशों जो कोर्ट का निर्देश रहेगा आगे वही प्रोसेस हम लोग कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उन्होंने पूरा का पूरा मैटर जो है वो कोर्ट पर छोड़ रखा है, कोर्ट जैसे ही कोई ऑर्डर करता है या वही प्रोसेस वो फॉलो कर देंगे। तो आज की ये अपडेट थी, आने वाले टाइम में जो भी अपडेट रहेगी भास्कर भाई की तरफ से या उन्नता सचिवर्ती में सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी तक साथ देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें जिससे सभी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू भाई।